माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण विधानसभा में प्रस्तुत किया और ये भाषण उनका सुनकर के ऐसा लगा कि इसे भविष्य की कोई मार्गदर्शन नहीं है कि सरकार कैसे काम करेगी। जो योजनाएं पॉपुलर योजनाएं थी पिछली सरकार की, कुछ तो पहले ही बंद कर दी, और चिरंजीवी जैसी योजना जो एक गरीब व्यक्ति की, एक आम व्यक्ति की का आधार बन गई थी, आज इस भाषण में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि सरकार के कार्यक्रम क्या हैं भविष्य के, सरकार कैसे काम करेगी, कोई विजन नहीं है इनका। और ये सरकार तो रिमोट से चल रही है और आगे भी रिमोट से ही चलेगी। ये भजन सरकार तो सिर्फ पेपर सरकार हो गई है। रिमोट कौन चला रहा है? रिमोट तो दिल्ली वाले चला रहे हैं, रिमोट चला रहे हैं। आज पूर्ववर्ती सरकार की भी कामकाज की आलोचना हुई कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, ये बताया आपको मैंने, इसमें ना तो कोई भविष्य की कोई योजना है, ना कोई जो पॉपुलर जो हमारी योजनाएं थी उनके बारे में कोई स्पष्ट कोई मार्गदर्शन है क्या? आज इस सिर्फ दिखावे का, सिर्फ दिखावे का ये जो है पुलिंदा है, लेकिन इसको झूठ का पुलिंदा कह सकते हैं, बिना मार्गदर्शन का पुलिंदा कह सकते हैं। बुढ़ानी जी, लेकिन है ना, जिस तरीके से राज्यपाल ने भी कहा है कि पिछली सरकार के जो लास्ट के 6 महीने के जो कार्यकाल रहा है उसके अंदर जो जो योजनाएं हो या फिर जो कार्य किए गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और जो भी भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे आए हैं उनको लेके आगे कार्रवाई। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सिर्फ इसी पे पूरा टिका हुआ भाषण कि पिछली सरकार ने ये कर दिया, पिछली सरकार ने ये कर दिया, पिछली सरकार ने ये कर दिया। हमारी क्या योजना है, अभिभाषण का क्या मतलब होता है? मैंने 3 बार लोकसभा में भाषण सुना है, मैंने 3 बार राज्यसभा में भाषण सुना है और 9 तीसरी बार यहाँ सुन रहा हूँ। ये पहला जो है राज्यपाल का अभिभाषण है जो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किताब का पन्ना पढ़ रहे हो, कोई विजन, विजन लेस। ये ऐसा पहली बार हुआ है ऐसा कि एक झूठा पुलिंदा जो है पकड़ा दिया गया, पिछली सरकार ने ये कर दिया। पिछली सरकार की योजनाएं जो गरीब का भविष्य है उसके साथ जो है वो बंद करना, ये जनता के साथ में बड़ा अन्याय है। लेकिन उनका ये कहना है कि कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। ये सारी चीज़ों में समीक्षा समीक्षा ही बोल रहे हैं, तभी मैंने कहा कि कोई अस्पष्टता है सारे स्पीच के अंदर, कहीं भी क्लियरिटी नहीं है। और क्लियरिटी होगी कैसे? आप भी जानते हैं, सारी जनता जानती है कि ये सरकार कहाँ से चल रही है। और हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी है, अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनका कोई विजन नहीं है, ना उनको पूछा जाता है, सारा काम जो है ऊपर से रिमोट की तरह चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पेपेट सरकार साबित होगी।